लो जी तैयार कर लिए मोमोज विद चटनी एंड मियोनीज। तो ये तैयार हो चुका है फाइनल प्रोडक्ट और भाई मजा आने वाला है। कैसे हो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोग का फिर से अपने YouTube चैनल लजीज जायका विद अशद में। दोस्तों आज जो है बहुत ही ज़बरदस्त चाइनीज़ फूड की प्रिपरेशन चल रही है जो मैं आप लोगों के सामने लाने वाला हूँ। और अभी जो है ये हम बनाने वाले हैं, आप ज़रा गेस करो, सामान देख के तो आपको पता चल गया होगा कि क्या बनने वाला है। तो बस अब आप बने रहो हमारे साथ और बताना कैसा बन रहा है, कैसा लग रहा है। बाकी मैं आपको आज पूरा प्रोसीजर तक बताने वाला हूँ कि ये जो हम बनाने वाले हैं ये जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस चाइनीज़ फूड है। सो दोस्तों ये है कुछ प्रिपरेशन जो हमने कर रखी है, ये देख के पता चल गया होगा मेरे ख्याल से, और नहीं पता चला तो फिर भी मैं आपको कुछ सामान दिखा देता हूँ इसमें जो बहुत ही ज़बरदस्त है और तैयार किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पत्ता गोभी है, यहाँ पे कुछ गाजर रख रखा है, कुछ इसकी घिसाई कर रखी है और कुछ ऐसे पड़ा है, अगर कम पड़ेगा तो उसको और घिस लेंगे। और यहाँ पर कुछ और सामान रखा हुआ है, यह शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्च और कुछ इसमें छिले हुए लहसुन है। कुछ हरे प्याज ले रखा है, हरा धनिया ले रखा है और ये लाल मिर्च। लाल मिर्च अब तो पता चल गया होगा क्या बनने वाला है। तो दोस्तों बने रहो। बाकी ये है थोड़ा सा मैदा, थोड़ा काली मिर्च पिसा हुआ, ये हो गया धनिया, ये हो गया नमक, स्वाद अनुसार डालेंगे और चीनी एंड पिसा हुआ लाल मिर्च। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं मोमोज, बिल्कुल सही समझा, माउथ वाटरिंग मोमो बनाने वाले हैं आज हम, तो बने रहो। तो गाइस ये है वो सामान जिसके बारे में बात कर रहा था, घिसाई का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है एंड जैसे ये गाजर घिस जाएंगे ये भी कुछ ऐसे हो जाएंगे। क्योंकि इसको गलने में टाइम लगेगा हम इसको हटा देंगे। यहाँ पे हमारा डोव तैयार हो गया और यहाँ पे हमने इसको यहाँ पर रख दिया। तो भाई ये है इसके अंदर की जो स्टफिंग बनाते हैं, उस स्टफिंग बनाने का सीक्रेट तरीका जो मैं आज आप लोगों के सामने रिवील करने जा रहा हूँ। कि ये जो हमने स्टफिंग तैयार कर रखी थी, ये जो कटे हुए पत्ता गोभी और ये कैरेट जो पड़ा हुआ है हमारे पास, इसको जो है हम एक साथ ही मिलाएंगे, है ना। ये हमने कर रखा है भाई प्याज कद्दूकस करके, ये हरी मिर्च कटा हुआ, ये शिमला मिर्च हो गया जो आप सब देख रहे थे स्टार्टिंग में, उसको काट के रखवा लिए, ये हरा धनिया को कटवा के रखवा लिया, ठीक है। अब ये जो है सब इसमें मिलेगा, है ना, तो इसको मिला के हम आपको दिखाते हैं कैसा बनेगा। ये नमक स्वाद अनुसार डाल दिया गया है और स्टफिंग बनाने के लिए ये हमने ले लिया काली मिर्च एक छोटा चम्मच, काली मिर्च एक बड़ा चम्मच, धनिया पाउडर, उसके बाद लेना है अपने को लाल मिर्च और लाल मिर्च डालेंगे हम। भाई हमें तो स्पाइसी थोड़ा पसंद है, मसाला स्पाइसी रखा है इसलिए हमने इसमें लाल मिर्च का यूज़ थोड़ा ज़्यादा किया है। तो आप लोग देख लेना, अगर आपको भी स्पाइसी ज़्यादा रखना हो तो आप लोग भी इसका यूज़ कर सकते हो। प्लस इसके बाद थोड़ा सा चीनी, और दोस्तों आप लोग ये सोच रहे हो कि चीनी क्यों डाला जा रहा है इसके अंदर के स्टफिंग में, यही है इसका सीक्रेट जिसके बारे में आपको बता रहा था। और ये भाई मिलाना चालू कर दिया इसके स्टफिंग का सामान को अच्छे से, और इसको भाई अच्छे से मिला लेना क्योंकि इसमें जो मसाले अगर ढंग से मिलेंगे नहीं तो आपके मोमोज में मज़ा नहीं आएगा। तो पानी अच्छे से इसमें से निचोड़ देना भाई, नहीं तो अपना स्टफिंग जो है प्रॉपरली पकेगा नहीं। तो ऐसा ही कुछ भी जाला से लेकर के इसे निकाल लेना भाई। ये है आप लोग के सामने स्टफिंग का सामान, और अगर जब तक ये अच्छे से मिलेगा नहीं ना तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। और इसके अंदर का जो सीक्रेट था वो मैंने आपको बता दिया है, जो कि कोई भी आपको जल्दी बताता नहीं होगा, मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों चलो इसको कैरी ऑन करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। और डो का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के उसको बेलना स्टार्ट कर दिया गया भाई, ये हमारा पूरा हिसाब और ये छोटा सा।
सो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक छोटा सा डो निकालना है। डो को अच्छे से बेल लेना है। बेलने के बाद जब वो ऐसा लंबा चौड़ा सा हो जाए, तो उसके बाद उसमें जो है सेंटर में स्टफिंग रखनी है। और उसके बाद स्टफिंग रखने के बाद हमें क्या करना है, इसको चांद के शेप पे बनाना है, जैसे गुजिया बनाते हैं ना, बहुत ही आसान तरीका है गुजिया वाला, तो वैसे ही करेंगे। तो अभी अपने को क्या करना है कि हम इसको चांद की तरह बनाएंगे। और ये भाई ऐसा कुछ कुछ बन जाएगा ये, ठीक है। जो एक्स्ट्रा स्टफिंग है उसको निकाल देना, और आप लोग थोड़ा थोड़ा स्टफिंग भरना। उसके बाद क्या करना है, इसको अच्छे से प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद क्या होगा कि स्टफिंग जो है बाहर आएगी नहीं, और इसके दोनों एजेस को ऐसे दोस्ती करा देनी है, ठीक है। ये हमारा जो है तैयार हो गया मोमो, फुल पैक मोमो। मोमोस के पीस थोड़े ऐसे ऐसे, इसमें आप और भी अलग अलग तरह के डिज़ाइन बना सकते हो। जैसे ये एक डिज़ाइन बनाया गया है, और चाहो तो एक छोटा सा डिज़ाइन मैं दिखाता हूँ जो मैंने बनाया अपने हाथ से। वो ऐसा है, हाफ स्टार शेप्ड, ठीक है। जब चटनी बनाने की तैयारी हो रही है, और ये जो लाल मिर्च था भाई, साबुत लाल मिर्च, इसको गर्म पानी में तकरीबन तकरीबन आधे पौन घंटे के लिए रखा गया ताकि थोड़े घुल जाए मुलायम। चटनी एंड मेयोनीज़, तो ये तैयार हो चुका है फाइनल प्रोडक्ट, और भाई मज़ा आने वाला है। आ चुका है खाने का मेयोनीज़, तो मुझे खाना नहीं है, बाकी टेस्ट कर लेते हैं।